ये भी देखो यार, इतना ये जो कॉर्नर होता है ना, ये हमेशा के बिग बॉस का कॉर्नर रहा है। अगर आपको याद होगा पहले पिछले सीजन में, दिस वॉज एनक्लोज्ड, उसके पहले यहाँ से बैठ के पूरी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी, लोग बैठते थे, मंडली जमती थी, सब कुछ होता था। बट इस बार सिर्फ एक सिंपल सा सोफा है, सिंपल सी चेयर है वहाँ पे, और काफी डिफरेंट तरीके से यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड स्टफ यूज किए गए। So you can see this one, वो जो ट्रोजन हॉर्स होता है ना, this has got that Greek mythology out here, that Trojan horse है, उसके अंदर आप जाके बैठ सकते हो किस तरह से। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई वॉन्ट टू सी के यहाँ पे कौन इस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाएगा, ऊपर बैठेगा और पूरा व्यू देखने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, डू हैव अ लुक। सो गाइस, जनरली ना यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो इस एरिया में जो एंट्रेंस, जो इंटरनल एंट्रेंस है, उसके बाहर का एरिया तो सिटिंग होता ही है, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे ये रहा है कि इस बार जिम नहीं है। सीरियसली, कम ये जो पोस्चर होता है ना, ये हमेशा जिम होता है, लेकिन इस बार यहाँ जिम नहीं है, उल्टे का सिटिंग रखा है। अब क्यों है, क्या है, वी डोंट नो, आई एम श्योर बिग बॉस के पास कोई तो रीजन होगा, वैलिड रीजन होगा, वरना ये जो पूरा इंडियन ट्रेडिशनल थीम रखा हुआ है, हो सकता है यहाँ दंड बैठक कराएंगे, शायद उस हिसाब से भी हो सकता है, यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन इन बिग बॉस। सो दिस इज अगेन, जिस तरह मैंने कहा कि इस बार बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो रही है, घर के बीच में ये जो पूरा एरिया बनाया गया है, ओपन छत है, पूरा केव इफेक्ट, ओल्ड टेम्पल रुइंस जो कहते हैं ना, उस रुइंस वाली पूरी इफेक्ट यहाँ पे दी गई है। पिलर्स से लेके आप सीलिंग्स तक देखोगे तो हर एक चीज को बहुत ही ब्यूटिफुली काव किया गया है, एंड स्पेशली दिस प्लेस, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ जो सिटिंग है वो भी इस तरह की सिटिंग की गई है। ये पूरा एक लायन वाला पूरा एक एम्बलम है, उसमें से पूरा वाटरफॉल हो रहा है, एंटायर वाटर बॉडी इज देयर, यू जस्ट सिट डाउन आउट हियर, चिल अराउंड, दिस इज गिविंग यू सच अ बिग वाइब मैन। बहुत ही कमाल का ये पूरा प्लेस है, इस तरह से भी अगर आप देखो, वहाँ से देखो, इट जस्ट लुक्स ब्यूटिफुल।